नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बेबी एंड चाइल्ड केयर पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि किस उम्र में कितना घी का सेवन करना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि कन्फ्यूज्ड रहते हैं कि उन्हें अपने बच्चों को कितना घी देना चाहिए या फिर उन्हें खुद कितना घी खाना चाहिए ताकि उनके शरीर को घी का पूरा फ़ायदा मिल सके, और यदि वो ज़्यादा घी ले रहे हैं या फिर कम घी ले रहे हैं तो उससे शरीर में कोई नुकसान तो नहीं होगा या फिर क्या दिक्कत हो जाएगी। बहुत सारी बातें दिमाग में चलती है, तो इसलिए मैं आपको आज इसके बारे में बताने वाली हूँ कि आपको किस उम्र में कितना घी का सेवन करना चाहिए ताकि घी के जो भी फायदे होते हैं वो आपको मिल जाए और आपको कोई नुकसान भी ना हो। आपको किस उम्र में कितना घी खाना चाहिए उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि घी खाने से क्या क्या फ़ायदा मिल जाता है। दोस्तों देखिए, अगर आप शुद्ध देसी घी का सेवन करते हैं तो इससे आपको और आपके बच्चे दोनों को ही बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। आपके बच्चे के विकास में घी का बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर आप अपने बच्चे को घी देते हैं तो इससे आपके बेबी का वजन बढ़ता है। दोस्तों साथ ही कई तरह के मिनरल्स भी प्रदान करता है, बच्चों की हड्डियों को मजबूत बनाता है। बच्चों के मानसिक विकास के लिए सही अनुपात में DHA, EPA और विटामिन ADE और K प्रदान करता है। दोस्तों अगर आप शुद्ध देसी घी का सेवन करते हैं तो ये आपके और आपके बच्चे के पाचन तंत्र को भी मजबूत करता है, आपको बहुत सारी बीमारियों से भी बचाता है। दोस्तों अगर आप गाय का शुद्ध देसी घी खाते हैं तो इसकी सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये तेल या फिर डालडा की तरह शरीर में खट्टा नहीं होता और ना ही आपके शरीर में किसी प्रकार की परेशानी उत्पन्न करता है। दोस्तों क्या होता है कि आपका बच्चा अगर छोटा रहता है तो उसे बहुत सारी कैलोरी की यानी कि ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आपको पता है बच्चे बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी करते रहते हैं तो उन्हें बहुत ही अधिक मात्रा में जो है यानी कि प्रचुर मात्रा में कैलोरी यानी कि ऊर्जा लेना जरूरी होता है जो कि उसके शरीर को दिन भर क्रियाशील रखता है। देसी घी में एंटी फंगल, एंटी ऑक्सीडेंट, एंटी बैक्टीरियल और एंटी वायरल गुण होते हैं जो कि आपके बेबी की आँखों की दृष्टि को बेहतर बनाता है, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर करता है और आपके बेबी के विकास को बेहतर बनाता है। आपके बच्चे को वसा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है जो कि उसको घी के माध्यम से मिल सकता है, और घी में बहुत ही अधिक मात्रा में वसा होता है जो कि आपके बच्चे के शरीर की वसा की आवश्यकता की पूर्ति करने में मदद करता है। शुद्ध देसी घी आपके बच्चे की भूख को ही नहीं बढ़ाता बल्कि यह आपके बच्चे की आम बीमारियों में भी काम आता है, जैसे कि आपका सर्दी जुकाम हो गया उसमें बहुत काम आता है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये बात चलता है कि बच्चे को या फिर किसी को भी किस प्रकार से घी का सेवन करना चाहिए, तो आप जो है किसी भी चीज़ में घी को डाल के खा सकते हैं, और अगर आप अपने बच्चों को घी दे रहे हैं तो उसके लिए आप कुछ खाना पीना बना रहे हैं तो उसमें भी घी डाल के दे सकते हैं, तो इससे भी जो है बच्चों को घी का पूरा फ़ायदा मिलता है। दोस्तों अगर आप बच्चों को घी देते हैं या फिर आप खुद भी घी खाते हैं तो इससे जो है हड्डियों के विकास में मजबूती मिलती है, हड्डियाँ मजबूत होता है, दिमाग के विकास के लिए अच्छा होता है, पाचन तंत्र को अच्छा करता है, आपके बच्चे का वजन बढ़ाता है, या फिर अगर आपका भी वजन कम है तो आप घी का सेवन करेंगे तो इससे भी आपका वजन बढ़ेगा। शुद्ध देसी घी में बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं जो कि आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाते हैं, आपके बच्चे को और आपको बहुत सारे पोषक तत्व देते हैं जिससे कि आप बहुत सारी बीमारियों से दूर रहते हैं और आपका शरीर मजबूत बनता है। अगर आप शुद्ध देसी घी का इस्तेमाल करते हैं तो इससे जो है संक्रमण से भी बचाव होता है। शुद्ध देसी घी में आयोडीन भी होता है, अगर सही मात्रा में बच्चे को आयोडीन दिए जाए तो उसके शरीर में थायराइड हार्मोन से संबंधित क्रिया सुचारू रूप से होती है, यानी कि थायराइड जो है नियंत्रित रहता है। और दोस्तों शुद्ध देसी घी पचने में भी आसान होता है, पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है। अगर आप या फिर आपका बच्चा पाचन से संबंधित परेशानी से जूझ रहा है तो शुद्ध देसी घी का इस्तेमाल करें, और ख़ास तौर से गाय के घी का इस्तेमाल करें तो इससे आपके पाचन तंत्र बहुत स्ट्रांग होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे के मस्तिष्क का विकास बहुत ही अच्छे से हो तो आपको अपने बच्चे को शुद्ध देसी घी ही खिलाना चाहिए, शारीरिक और मानसिक विकास बहुत ही बेहतर होता है। क्या बच्चों के लिए घी खतरनाक हो सकता है? दोस्तों देखिए, कोई भी चीज़ अगर आप अपने बच्चों को देते हैं या फिर आप खुद खाते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप उसे लिमिट मात्रा में दें। किसी भी चीज़ की अति नुकसानदायक होती है, और घी के साथ भी यही है। अगर आप अपने बच्चे को ज़रूरत से ज़्यादा घी देंगे तो उसे नुकसान तो करेगा ही, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों को या फिर अपने आप को भी जो है लिमिट मात्रा में घी दें। और वो आपको मैं बता देती हूँ कि चलिए कितनी मात्रा में आपको घी देना चाहिए। अगर आपका बच्चा छोटा है यानी कि 3 साल तक का आपका बच्चा है तो आपको उसे आधा चम्मच से ज़्यादा घी नहीं देना चाहिए, क्योंकि उससे ज़्यादा घी उसके लिए नुकसानदेह हो सकता है। दोस्तों बात करते हैं 4 से लेकर 10 साल तक के बच्चों को कितना घी देना चाहिए, तो आपको लगभग 2 चम्मच घी देना चाहिए, उससे जो है उनके शरीर को लगभग 15-16 ग्राम घी मिल जाता है जो कि उनके लिए पर्याप्त है। बाकी दोस्तों बात करते हैं 10 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चों को कितना घी देना चाहिए, तो आप उन्हें 2 से 3 चम्मच घी दे सकते हैं, इससे उनके शरीर को जो है 15-20 ग्राम घी मिल जाएगा जो कि उनके लिए पर्याप्त है।
उसके बाद अब बात करते हैं 18 साल से लेकर 45 साल तक के लोगों को कितना घी खाना चाहिए। तो 1 से 2 चम्मच घी लेना चाहिए, इससे आपके शरीर को 10 से 12 ग्राम घी मिल जाएगा जो कि आपके लिए पर्याप्त है। दोस्तों बात करते हैं 45 साल से लेकर 60 साल के बीच के उम्र के लोगों को कितना घी खाना चाहिए। 1 चम्मच घी लेना चाहिए, इससे जो है शरीर में 8 से 10 ग्राम घी मिल जाएगा। घी लेने से जो है हड्डियां मजबूत होंगी और चिकनाहट बनी रहेंगी, तो 1 चम्मच से ज्यादा घी ना लें, नहीं तो आपको नुकसान करेगा। बाकी दोस्तों देखिए 60 साल से अधिक की उम्र के लोग भी हैं तो उन्हें 1 चम्मच ही घी दीजिए। तो दोस्तों आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कितना घी का सेवन करना चाहिए और आपको घी से क्या क्या फ़ायदे मिल सकते हैं। एंड आपको आज का वीडियो भी पसंद आया होगा, आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।